केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं से कहा, युद्ध का समय आ गया है, चौकन्ने हो जाओ। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को भाषण के माध्यम से दिए टिप्स। डेकहा स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी भाजपा नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं से इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि युद्ध की रणभेरी बजने लगी है, इसलिए आप चौकन्ने हो जाइए। चौथी बार अब भाजपा की सरकार बननी है, आत्मविश्वास के साथ फील्ड में जाइए, अति विश्वास से बचिएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल और सांसद द्वारा कराए गए विकास कार्यों की तारीफ की तथा कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जितना काम किया है उसका तरीके से प्रचार प्रसार भी हो जाए तो जनता फिर आपके साथ ही रहेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत के मंत्र भी बताएं। आइए देखते हैं भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कहा वरिष्ठ नेताओं ने। राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के सांसद जो जनार्दन जी यहाँ के विधायक हैं, उन लोगों ने जिस सक्रियता से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सदुपयोग किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। विकास होता है उसके बाद आर्थिक संपन्नता भी आती है। आज गांव में नहरें पहुंच गई, किसान को क्या चाहिए? पानी। किसान के पास पानी पहुंचा है कि उसकी सफारी बनाई, ऐसा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बहुत अच्छा काम किया। सांसद जी का नाम आए तो गांव-गांव में सड़कें बना दी, बहुत सारा काम किया। विपक्ष की भी तारीफ करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। बोले आदमी तो अच्छे हैं, सरकार में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, इनके परिवार के लोग अच्छा काम किया, बाकी खुद का ही काम किया बस। तो हम सब चुनाव की बेला में हैं और मैं समझता हूँ कि युद्ध के समय जिन सूत्र वाक्यों को अपने भीतर अंगीकार करके हमको अपने काम की दिशा तय करना चाहिए, वह सूत्र वाक्य माननीय कैलाश जी ने अपने वक्तव्य में आप सबके सामने रखे हैं। उन सबको ही लेकर हम सबको आगे युद्ध का रोड मैप भी तय करना है और सिर्फ रोड मैप ही तय नहीं करना, जो योजना बने उसका क्रियान्वयन करके चौथी बार मध्य प्रदेश में विशाल बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हम सबको बनाना है।